मैहर में अंधूरे पुल के चलते ग्रामीणों को जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। घूमकर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ग्रामीण अधूरे पुल के बनने की आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला मेहर जिले के ग्राम मड़ी अजमाइन का है, जहां साल 2008 में स्थानीय नेताओं ने गांव वालों को पुल की सौगात दी थी। गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि रीवा जाने के लिए गांव वालों को 40 किलोमीटर से ज्यादा घूमकर जाना होता था। पुल बन जाने से 20 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। धीरे धीरे पुल निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन ठेकेदार अधूरा पुल छोड़कर ही फरार हो गया। पुल नहीं बनने से गाँव के लोगों का नुकसान होता है, साथ ही शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। समस्या ये है कि अच्छी सड़क व पुल न होने के कारण आवागमन प्रभावित हो जाता है। बरसात में अधिक जल भराव होने के कारण लोग नदी को पार नहीं कर पाते हैं। पुल है नहीं तो आवागमन पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समस्याओं से वंचित रह जाते हैं लोग। बाढ़ आ गई नदी में, रास्ता पूरे जाम हो चुके हैं। हम 25 स्टूडेंट हैं पढ़े लिखे वाले, लेकिन रास्ता इतना पुल बाढ़ चुकी है कि अब कहाँ नहीं जा पा रहे हैं। 4 महीना बस फंसे रहा। 2007-08 से काम बंद भा, ओके बाद अबे तक नहीं शुरू भा। लगभग आसपास के 10-15 गांव प्रभावित हैं। अगर पुलिया बन जाए तो सीधे इंट जाए 15 किलोमीटर है रीवा, लेकिन पुलिया न हो के कारण 100 किलोमीटर घूमे का पड़ा था। पहले अताला, अमरपाटन, भड़रा पूरा घूमत घूमत तब रीवा पहुंची थी, लगभग 100 किलोमीटर। पुलिया नहीं बने, 2007-08 से काम बंद है, चालू नहीं होता है। हर दर की आवत है, नेता कहा थे चालू होई बनवाओ, बनवा में नहीं को। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।